नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 2023 गैरसैंण में विधानसभा सत्र का चौथा दिन, सदन में उठा विशेष अधिकार हनन का मसला, मामले में जांच की कही बात, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी हुए सवाल। सत्र के चलते हुई दूसरी कैबिनेट बैठक में लिए गए 7 फैसले, परिचय नीति 2023 पर लगी मुहर, तोवन संरक्षण अधिनियम में किया गया संशोधन। उत्तराखंड में कर्ज को लेकर वार्षिक वित्त विवरण में बड़ा खुलासा, 2024 तक राज्य के बजट के बराबर हो जाएगा कर्ज, अगले साल तक प्रदेश पर हो जाएगा 77,000 करोड़ से अधिक का कर्ज। उत्तराखंड में विधायक और मंत्री हुए मालामाल, 5 साल में बढ़ी अपार संपत्ति, एडीआर की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, सूबे में जनप्रतिनिधि काट रहे चांदी। और चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। गैरसैंण में विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन रहा, सत्र की शुरुआत विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के साथ हुई। विधानसभा के बाहर बैठक करके पहले कांग्रेसियों ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का मुद्दा उठाया, तो वहीं सदन के भीतर भी विपक्ष ने कई सवाल उठाए। जसपुर से विधायक आदेश चौहान के विशेष अधिकार हनन का मामला उठाया गया, जिसमें पीठ की तरफ से बड़ा फैसला लेते हुए कहा गया कि विधायक के विशेष अधिकार हनन के मामले की जांच होगी। वहीं सदन में विपक्ष ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सवाल पूछा कि प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली कब लागू होगी। जहां एक तरफ विपक्ष ने सत्र में कई मुद्दों पर सवाल उठाए, तो वहीं कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने सदन से वॉकआउट कर लिया। उनकी माने तो धारचूला के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए 1 साल बाद भी कोई राहत नहीं दी गई है। उनके इस सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री ने सिर्फ जोशीमठ के प्रभावितों का जिक्र किया, जिससे वो नाराज होकर सदन से वॉकआउट हो गए। हालांकि गुस्साए विधायक को नेता प्रतिपक्ष ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन हरीश धामी ने कहा कि धारचूला के प्रभावित परिवार अनुसूचित जाति से है, इसीलिए सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। मेरा मन बड़ा आहत है और मैं बड़ा दुखी भी हूँ कि जिस उत्तराखंड के लिए यहाँ के लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी इस राज्य को बनाने के लिए, और इस उद्देश्य से बनाया कि वे उत्तराखंड राज्य बनेगा, तो पर्वतीय क्षेत्र के जो दुर्गम क्षेत्र के लोग हैं उनकी आवाज़ सदन तक जाएगी और उनकी बात सुनी जाएगी। आज जब मैं 30 परिवार जिनको सरकारी भूमि के नाम पर आपदा के जो है लाभ नहीं मिल रहा है, तो उनका मामला उठाया, तो संसदीय कार्य मंत्री जी का जवाब जो था वो निराशजनक है, और इसलिए मैंने उसका वॉकआउट भी किया। और मैंने साफ तौर पर कहा अंबेडकर जी की मूर्ति को माला चढ़ाने से जो है श्रद्धांजलि नहीं होगी, श्रद्धांजलि उस दिन होगी जब इस तरह के दीन दुखी SC के जो परिवार हैं, समाज के सबसे जो पिछड़ गए हैं, जो तबके के लोग, उनको जब हम घर देंगे, उनको जो है राहत देंगे। गैरसैंण सत्र के दौरान 2 कैबिनेट बैठक हो चुकी है, जिनमें कई बड़े फैसले लिए गए। आज हुई बैठक में 7 फैसलों पर मुहर लगी, तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ खास रहा कैबिनेट की बैठक में। गैरसैंण में हुई कैबिनेट बैठक में 7 फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने पर्यटन नीति 2023 पर मुहर लगाई, वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया, उत्तर प्रदेश निजी वन अधिनियम में सजा का प्रावधान हटाकर वित्तीय दंड बढ़ाया गया, 2018 की पर्यटन ऑपरेशनल गाइडलाइन में संशोधन किया गया, PMGSY के 38 कनिष्ठ अभियंताओं को ग्राम विकास में शामिल किया गया, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में हुए ड्रोन शो को कार्योत्तर स्वीकृति दी गई, कर्मचारी मृतक सेवा नियमावली में संशोधन किया गया, विधवा पुत्र वधु को भी मृतक आश्रित में शामिल किया गया। और बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि गैरसैंण में सत्र के दौरान भराड़ीसैंण में कृषि विभाग की तरफ से अन्न भोज का आयोजन किया गया, जहां बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस दौरान मांगल गीत के बीच पहाड़ी व्यंजनों का आनंद लिया। कृषि विभाग की ओर से आयोजित मिलेट भोज में तमाम पहाड़ी व्यंजन परोसे गए, जिनमें कोदे की रोटी, अरसा, झंगोरे की खीर, गैत का फानू, लाल चावल, आलू के गुटके बनाए गए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने एक ही टेबल पर इन तमाम व्यंजनों का आनंद लिया। बता दें कि विधायकगण, अधिकारी, कर्मचारी, मीडिया सहित बड़ी संख्या में लोग अन्न भोज में शामिल हुए। बढ़ते आगे। वहीं आपको बता दें कि भराड़ीसैंण में ही सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने पुस्तकालय कक्ष का भी लोकार्पण किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को राजकीय इंटर कॉलेज भराड़ीसैंण में सुदृढ़ीकरण आर्ट क्राफ्ट और पुस्तकालय कक्ष का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित छात्र छात्राओं को फूलदेई पर्व की शुभकामनाएं देते हुए विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण में इस अवसर पर आने के लिए बच्चों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि आपके विधानसभा परिसर में आने से वहां एक अलग प्रकार की ऊर्जा आ गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ होने पर भी बच्चों को शुभकामनाएं दी और कहा कि सभी छात्र अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, ऐसी उनकी शुभकामनाएं हैं। राज्य में शिक्षा की व्यवस्थाओं को और बेहतर करने का सरकार दावा कर रही है। इस लिहाज से बजट में शिक्षा के लिए 10 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। इस बजट में शिक्षा विभाग की नई स्कीम के साथ ही पहले से चली आ रही योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। पेश हुए बजट पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का क्या कुछ कहना है, उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने। गैरसैंण में धामी सरकार ने जो है वो आम बजट पेश किया है और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जो बजट पेश किया उसमें अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो कुछ नई स्कीमें भी हैं और क्लस्टर स्कूल का एक नया कॉन्सेप्ट भी जो है उसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके से आप देखते हैं जो ये बजट में जो प्रावधान नई योजनाओं को लेकर किया गया है, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जहाँ की सर्वाधिक बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमारा जो इंटरमीडिएट के बाद 47% बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, जबकि देश का मानक टोटल जो है 27% है। तो 20% ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। और आपने देखा होगा कि मैंने पिछली सरकार में हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खोलने का अभियान चलाया था, आज सभी डिग्री कॉलेज खुल चुके हैं। इस बार माध्यमिक शिक्षा में हमने 3 नई योजना लाए हैं। पहला तो PM श्री योजना जो भारत सरकार की, उसके लिए लगभग 92-93 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। दूसरा, हम क्लस्टर स्कूल बना रहे हैं इस बार, और क्लस्टर स्कूल को एक मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। उसमें आसपास के 2-3 स्कूलों में जो जहाँ कम बच्चे हैं उनको एक क्लस्टर भेज दिया जाएगा, उन बच्चों को आने जाने का किराया दिया जाएगा, उन बच्चों के लिए हॉस्टल की सुविधा दी जाएगी, वहाँ अच्छा ग्राउंड होगा, प्ले स्कूल होगा, एक मॉडल स्कूल की कल्पना हम लोगों ने इस बार बजट में की है। तीसरा, जो सबसे बड़ा काम हमने किया है कि अपने राज्य में मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना लाए हैं मेधावी बच्चों के लिए। जो हमारे राज्य के मेधावी बच्चे हैं कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के और उच्च शिक्षा के भी, उन बच्चों को हम मासिक जो है एक मुख्यमंत्री जी की तरफ से छात्रवृत्ति देने का हमने एक बजट में प्रावधान किया है कि उन बच्चों को जो है चरणवाइज जो है रुपये दिया जाएगा, ताकि और बच्चे भी प्रतिस्पर्धा में जो है अच्छे नंबरों के लिए आगे बढ़ें। तो मुझे लगता है कि काफ़ी योजनाएं हैं आयुष्मान भारत के लिए और अटल आयुष्मान उत्तराखंड के लिए। इस बार हमने 400 करोड़ रुपये का बजट रखा है, क्योंकि 7 लाख लोगों का अभी तक निःशुल्क इलाज हो चुका है। वैसे सबसे महत्वाकांक्षी योजना हमारे प्रदेश की है, मेडिकल कॉलेजों के लिए इस बार भी हमने पर्याप्त बजट रखा है, इस बार नर्सिंग कॉलेजों के लिए भी पर्याप्त बजट रखा है, स्वास्थ्य के लिए भी पर्याप्त बजट रखा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे मेजर डिपार्टमेंट हैं स्वास्थ्य और शिक्षा, लगभग कुल बजट का 30% इन दो विभागों में खर्च करने का इस बार प्रावधान रखा गया। कोऑपरेटिव सेक्टर में भी आपने देखा होगा कि 300 करोड़ रुपये का इस बार हमने अलग बजट रखा है, जो कि सहकारिता के इतिहास में सबसे ज़्यादा बजट इस बार दिया गया। मुख्यमंत्री कृषि कल्याण योजना को बजट दिया गया है, जो भारत सरकार की योजना है उनके लिए भी बजट रखा गया है। तो हमने पैक्स कंप्यूटराइजेशन किया है, उसके लिए भी अलग से बजट का प्रावधान किया है। तो हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया। इस बार PWD में भी देखा होगा आपने कि गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए भी लगभग 800 करोड़ रुपये से ज़्यादा का बजट रखा है। वैसे हमने किसानों के लिए इस बार अलग से प्रावधान किया है बजट में। तो हर वर्ग को छूने का काम हमारी सरकार ने। लेकिन सर, क्लस्टर स्कूल जो कॉन्सेप्ट है, लगता है कि ये पहाड़ के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि अगर आप स्कूलों को क्लबिंग करेंगे तो उसमें सुविधाएं भी बढ़ेंगी, बच्चों को बेहतर पढ़ाई भी मिलेंगी क्योंकि शिक्षक ज़्यादा रहेंगे, और बुनियादी जो सुविधाएं स्कूलों में चाहिए होती है। तो क्या लगता है कि प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे पाएंगे उत्तराखंड के अब सरकारी स्कूल और बेहतर तरीके से? देखिए, आपने देखा होगा कि इस साल 8% हमारे स्कूलों में नए छात्र आए हैं, और जो कि रिकॉर्ड है एक कि लगभग 70,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे स्कूलों में सरकारी स्कूलों में इस बार एडमिशन में आए हैं। और हमारी कल्पना यह है कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें हम एक बहुत अच्छी स्कूल बनाने का संकल्प हमने लिया है, और जो क्लस्टर स्कूल है
वो एक मॉडल स्कूल के रूप में हम विकसित करने जा रहे हैं। ये शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत है जिनका साफ तौर से कहना है कि शिक्षा विभाग में जो इस बार का बजट है उस खास रहा है क्योंकि कई नई योजनाएं शिक्षा विभाग में है वो लॉन्च सरकार के द्वारा की गई है, वहीं स्वास्थ्य में भी बेहतर बजट दिया गया, यानी कि जो पूरा बजट है शिक्षा और स्वास्थ्य में 30% बजट दोनों विभागों में खर्च होगा। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ मनीष डंग। गैरसैंण में उत्तराखंड की धामी सरकार ने इस बार 77,407 करोड़ का बजट पेश किया है। इस बजट को विकास का बजट बताया जा रहा है, लेकिन वहीं एक सच ये भी है कि अगले साल तक उत्तराखंड सरकार के ऊपर बजट के बराबर ही कर्ज हो जाएगा। देखिए रिपोर्ट। क्या कर्ज में और डूब जाएगी उत्तराखंड सरकार? वार्षिक वित्तीय विवरण में बड़ा खुलासा, अगले साल तक बजट के बराबर हो जाएगा कर्ज, 77,000 करोड़ से अधिक का हो जाएगा कर्ज। साल 2025 तक धामी सरकार ने उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए गैरसैंण में इस बार 77,407 करोड़ का बजट पेश किया गया, जिसे राज्य में विकास का बजट कहा जा रहा है। लेकिन इससे परे एक सच ये भी है कि अगले साल तक उत्तराखंड की सरकार पर बजट के बराबर ही यानी कि 77,000 करोड़ से अधिक का कर्ज हो जाएगा। यानी कि उत्तराखंड सरकार को और अधिक कर्ज के तले डूबने को तैयार रहना होगा और इसका खुलासा सदन पटल पर पेश सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण से हुआ है। बता दें कि 31 मार्च 2023 तक राज्य पर कर्ज 68,884 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। आगे अनुमान ये भी है कि अगले साल 2024 तक ये कर्ज बढ़कर 77,000 करोड़ से अधिक का हो जाएगा। ऐसे में सरकार के सामने राज्य में कामकाज करना चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि साल में अकेले वेतन पर ही 18,000 करोड़ और पेंशन पर 7,601 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यानी सरकार को 26,000 करोड़ से अधिक राशि इनके लिए जुटानी होगी। सरकार की आमदनी में से 11,525 करोड़ रुपए पुराने कर्ज की किस्त लौटाने और 6,166 करोड़ सालों से लगातार लिए जा रहे कर्ज का ब्याज चुकाने पर खर्च करने होंगे। वहीं दूसरी तरफ सदन में पेश आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट ये बताती है कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है, जो कि राहत पहुंचाने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल राज्य में प्रति व्यक्ति आय 2,05,000 थी, जो अब बढ़कर 2,33,000 होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी कि 10.05% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2012 से 2013 में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी देखी गई थी। उस वक्त 13.30% की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन इसके बाद प्रति व्यक्ति आय में लगातार गिरावट ही देखी गई और इस बार 10.05% का इजाफा प्रति व्यक्ति आय में हुआ है। हालांकि एक तरफ आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट राहत पहुंचाने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ वार्षिक वित्त विवरण जो बताती है कि अगले साल तक बजट के बराबर ही सरकार के ऊपर कर्ज हो जाएगा। ऐसे में राज्य का हर एक व्यक्ति कर्ज के तले होगा। पहले से ही राज्य के हालात ऐसे हैं कि एक बच्चा भी पैदा होता है तो अपने सिर पर कर्ज लेकर पैदा होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में हर शख्स पर 95,000 रुपए का कर्ज है। अब ऐसे में जब अगले साल तक बजट के बराबर कर्ज होने का अनुमान है, तो आगे आने वाले समय में उत्तराखंड की जनता के ऊपर कितना कर्ज होगा इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अपने कार्यकाल में विधायक और मंत्रियों ने कितना कामकाज किया, इसे लेकर तो अब तक कोई रिपोर्ट नहीं पेश की गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एडीआर की रिपोर्ट ये बताती है कि विधायक और मंत्री रहते हुए जनप्रतिनिधियों की निजी संपत्ति में अपार बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में विधायक और मंत्री हुए मालामाल, 5 साल में बढ़ी अपार संपत्ति, एडीआर की रिपोर्ट से खुलासा। सूबे में जनप्रतिनिधि काट रहे चांदी। जहां एक तरफ सरकार ये बताने से कतरा रही है कि अपने कार्यकाल में मंत्रियों ने कितना कामकाज किया है, तो वहीं एक सच ये भी है कि सत्ता में रहते हुए विधायक और मंत्री मालामाल हो गए। उनकी निजी संपत्ति में अपार बढ़ोतरी देखी गई और खुलासा एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट से हुआ। राज्य में 2 या 3 नहीं बल्कि ऐसे कई मंत्री और विधायक हैं
जिनकी संपत्ति पिछले 5 सालों में 100% से भी ज्यादा बढ़ी। माननीयों के पास ऐसा जबरदस्त फॉर्मूला है जो संपत्ति को 300% तक बढ़ाने में काम करता है। एडीआर के आंकड़े दिलचस्प के साथ साथ चौंका देने वाले भी हैं। इसमें 70 में से 16 मंत्री या विधायक ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 100% से ज्यादा बढ़ी है। इसमें अधिकतर विधायक और मंत्रियों ने अपनी इनकम का जरिया विधायक की सैलरी और पेंशन के साथ साथ खेती और किराए के बिजनेस को बताया है। चलिए अब एक नजर डालते हैं एडीआर की रिपोर्ट पर। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल के सभी 9 सदस्य करोड़पति, मंत्रियों की औसतन संपत्ति 16 करोड़। साल 2017 में 70 में से 51 विधायक करोड़पति, साल 2022 में करोड़पति की संख्या बढ़कर 58 हुई। बीजेपी के 45 में से 40 विधायक करोड़पति, कांग्रेस के 19 में से 15 करोड़पति विधायक। राज्य में 30% विधायक 2 से 5 करोड़ तक की संपत्ति के मालिक हैं। कुल 35% विधायक 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। दोबारा जीते विधायकों की 2017 में औसत संपत्ति 4.96 करोड़, साल 2022 में बढ़कर ये 7.56 करोड़ हुई। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि वो जनप्रतिनिधि जो जनता द्वारा चुनकर आते हैं और जनता के लिए काम करना इनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। बजाय इसके सच तो ये है कि विधायक और मंत्रियों का फोकस अपनी निजी संपत्ति को बढ़ाने पर है और कामकाज को लेकर इनसे सवाल करने वाला कोई नहीं, इनकी रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखने वाला कोई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम टीवी। देहरादून में बीजेपी महिला मोर्चा ने कांग्रेस विधायकों का पुतला दहन किया। दरअसल विधानसभा बजट सत्र के दौरान तमाम कांग्रेसी विधायकों ने अभिभाषण की प्रतियों को फाड़कर उनके गोले बनाकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी पर फेंके थे। इतना ही नहीं, कांग्रेसी विधायक काफी उग्र भी हो गए थे, जिसके चलते विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कांग्रेस के 15 विधायकों को एक दिन के लिए निलंबित भी कर दिया था। लेकिन इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ। कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से कृत्य वहां पर किया है, और एक हमारी जो पहली महिला स्पीकर उत्तराखंड की बनी है, वो इसलिए बनी थी कि यहाँ की हर एक महिला ने इस उत्तराखंड राज्य को बनाने में जो संघर्ष किया है, वो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने महिला स्पीकर बना करके ऋतु खंडूड़ी जी को दिया था। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों ने जो कृत्य विधानसभा में किया है, उसकी हम महिला मोर्चा घोर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। वही हल्द्वानी में बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायकों पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी का अपमान करने का आरोप लगाया। पुतला दहन किसका किया है? हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं ऋतु खंडूड़ी जी, उनका विधानसभा में कांग्रेस विधायक द्वारा अपमान हुआ है। उन पर कागज फेंके गए हैं, माइक तोड़ा गया है। उसलिए हमारी नैनीताल जिला महिला मोर्चा द्वारा आज रोष प्रकट किया है, क्योंकि कांग्रेस विधायकों के द्वारा ऐसी हम लोगों ने कभी ऐसी उम्मीद नहीं करी थी। वैसे तो हमेशा करते ही है, कांग्रेस ने कभी महिलाओं का सम्मान नहीं करा है, और हमारी विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा ये अपमान दिया हुआ है, उन्होंने उनका अपमान करा है, तो हमारे लिए बहुत निंदनीय काम है। कांग्रेस माफ़ी मांगे और उनके सोनिया गांधी माफ़ी मांगे हमारी विधानसभा अध्यक्ष से। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण बारा ने धामी सरकार के बजट पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस बजट से प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया गया है। पिछले बजट का भी सरकार सिर्फ 60% ही खर्च कर पाई है। बीजेपी सरकार 2017 से अभी तक 99,749 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चारधाम के लिए भी सरकार ने बजट बहुत कम रखा है। केवल आंखों में धूल झोंकने का बजट है, जनता को लगातार बेवकूफ़ बनाने का काम, नए सपने दिखाकर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हमारे जो मुख्य काम है चारधाम यात्रा, जिससे रोजगार भी है, प्रदेश का प्रचार प्रसार भी है, उस योजना के लिए केवल 10, उसकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए केवल 10 करोड़ का बजट इस बजट में है, जो बहुत ही कम है। अगर कहीं घर या दुकान पर आग लग जाती है या जंगलों में भी आग की घटनाएं सामने आती हैं, तो हम तुरंत अग्निशमन को बुलाकर आग पर काबू करवाते हैं। लेकिन जो विभाग अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी जान बचाने का काम करता है, वो विभाग बदहाली के आंसू बहा रहा है। रिपोर्ट देखिए। आग की घटनाएं होने के बाद हम तुरंत अग्निशमन को बुलाते हैं, जो आग पर काबू पाते हैं।
और कई बार अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को भी बचाते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि जो विभाग आपको मुसीबत से बचा रहा है वो खुद बदहाली के आंसू बहा रहा है। जहां उत्तराखंड में अग्निशमन विभाग के पास ना तो पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी है और ना ही वाहनों की पूर्ति। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि अग्निशमन विभाग के पास वर्तमान में कितने कर्मचारी हैं और कितने कर्मचारियों की जरूरत है। सीएफओ के 9 पद स्वीकृत है लेकिन सिर्फ 4 पदों पर नियुक्ति है जबकि 5 पद खाली पड़े हैं। एसएफओ के 35 पद स्वीकृत है लेकिन 6 पदों पर नियुक्ति है और 29 पद खाली पड़े हैं। एफएसएसओ के 50 पद स्वीकृत है। फर्जी दस्तावेज बनाकर स्पा सेंटर्स में काम कर रहे फर्जी थेरेपिस्ट और स्पा सेंटर्स पर देहरादून पुलिस कार्रवाई करने जा रही है। इन थेरेपिस्ट के प्रमाण पत्रों की जांच के लिए सभी कॉलेज से वेरिफिकेशन लेटर भेजे गए हैं। देहरादून में चल रहे स्पा सेंटर्स के लिए पुलिस ने एक गाइडलाइन तैयार की थी। गाइडलाइन के मुताबिक स्पा सेंटर्स में मसाज देने वाले युवक युवती किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से थेरेपिस्ट का डिप्लोमा या डिग्री धारक होना जरूरी है। एक्चुअली स्पा सेंटर का जो प्रोटोकॉल है, हमने जो बनाया है, जो प्रोटोकॉल है उसका फॉलो नहीं हो रहा। दूसरा, जो थेरेपिस्ट वहाँ पर हैं वो क्वालिफाइड नहीं होते और स्पा के नाम पर काफ़ी जगह जो है, बहुत सारी जगहों पर जो है वो गलत काम हो रहा है। तो इन सारे बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए कल कुछ स्पा सेंटर्स को एसोसिएशन बनाया हुआ है। इसमें मैक्सिमम लोग स्पा सेंटर वाले बाहर गए, गैर मतलब उत्तराखंड के बाहर के रहने वाले लोग, और स्पा सेंटर उन्होंने बड़े संदिग्ध जगह में बनाया। मसूरी में लिफ्ट मांगकर टैक्सी में रखे 288,000 रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि चोरी करने वाले दोनों आरोपी सगे भाई और बहन थे और 24 घंटे के अंदर मसूरी रोड से गिरफ्तार उन्हें किया गया। आरोपी के पास से चोरी हुई रकम भी बरामद की गई है। देखिए 15 तारीख को कोतवाली मसूरी में एक वादी आए, उनके द्वारा बताया गया कि 14 तारीख को जब वो अपनी गाड़ी से आ रहे थे तो एक लड़का लड़की ने उनसे जो है लिफ्ट मांगी और लिफ्ट लेकर के वो लाइब्रेरी चौक के पास आए। वहां से जब वो उतरे उसके बाद जब उसने अपनी गाड़ी में देखा तो उसकी गाड़ी में जो कैश पड़ा हुआ था लगभग 288,000 रुपए वो वहां पर नहीं थे, चोरी हो गए थे। तो इस संबंध में उसके द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया। जो हमारी कोतवाली मसूरी में जो है टीम गठित की गई और इस पर जब कार्रवाई की गई तो जो रूट पर जो सीसीटीवी कैमराज हैं उन सबको लेकर करके संदिग्धों की फोटो हमारे पास अवेलेबल हो गई। उसको वादी से वेरीफाई कराने के बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन कराई गई तो आइडेंटिफिकेशन में ये दो लोग जो है भाई बहन निकले जो नेपाल के रहने वाले थे। लुआघाट का उपजिला अस्पताल अव्यवस्थाओं की मार झेल रहा है जिसका खामियाजा दूर दराज क्षेत्र से आ रहे मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से खराब अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीन को अब तक ठीक नहीं किया गया। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जुनेद कमर ने बताया कि अल्ट्रासाउंड मशीन खराब है जिन्हें ठीक करने के लिए टेक्नीशियन को बुलाया गया है। अल्ट्रासाउंड मशीन 13 तारीख से लगभग जो है वो खराब नहीं, मशीन तो ठीक ही है, उसके प्रोब जो है ना प्रोब खराब हुआ है, प्रोब घिस गया। प्रोब जो है 70-80 हज़ार रुपए का एक प्रोब है मिनिमम। तो हमने टेक्नीशियन को बुलाया है हल्द्वानी से, उनका जो CMC होती है वो भी कर दी गई है, उनका चेक भी लगा दिया गया है। लेकिन अब वो आके बताएंगे प्रोब का रेट क्या है और प्रोब दोनों कितने में पड़ेंगे। रुड़की के नारसेन पर कार हादसे का शिकार हो गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर में देखा जा सकता है कि कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई और हाईवे की रेलिंग को तोड़ते हुए कार पलटी और इस हादसे में 4 लोगों के घायल होने की खबर है। हैरानी इस बात की है कि ये वही जगह है जहां दिसंबर महीने में भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार हादसे का शिकार हुई थी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 2023 गैरसैंण में विधानसभा सत्र का चौथा दिन सदन में उठा विशेष अधिकार हनन का मसला। मामले में जांच की कही बात, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी हुए सवाल। सत्र के चलते हुई दूसरी कैबिनेट बैठक में लिए गए 7 फैसले। पर्यटन नीति 2023 पर लगी मुहर, तोवन संरक्षण अधिनियम में किया गया संशोधन। उत्तराखंड में कर्ज को लेकर वार्षिक वित्त विवरण में बड़ा खुलासा। 2024 तक राज्य के बजट के बराबर हो जाएगा कर्ज, अगले साल तक प्रदेश पर हो जाएगा 77,000 करोड़ से अधिक का कर्ज। उत्तराखंड में विधायक और मंत्री हुए मालामाल, 5 साल में बढ़ी अपार संपत्ति। ADR की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, सूबे में जनप्रतिनिधि काट रहे चांदी।